हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कर चुके हैं और प्रेजेंट और पास्ट टेंस भी हम अपने पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कौन सा टेंस होता है? भूतकाल, सॉरी भविष्यकाल, जिसमें आपको आगे आने वाले समय में जो घटना हो रही है उसके बारे में बताएगा। ये जो टेंस है जिसमें जो काम चल रहा होगा, जैसे कि इस समय राम पढ़ रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो सो रहा होगा, वह हंस रहा होगा, वो नहा रहा होगा। जो काम तुम सोच रहे हो कि इस समय वो क्या कर रहा होगा, तुम वहाँ जाओगे, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे होंगे जब तुम वहाँ पहुँचोगे, तो फ्यूचर के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पहचान की, कि फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जब आप किसी भी सेंटेंस की हिंदी में उसको ट्रांसलेट करोगे तो आपको वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया, मेन वर्ब जो आपकी होती है, जैसे नहाना, खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गाना, ये सभी आपके मेन वर्ब्स हैं, इनके साथ लगकर रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी आए, तो वो आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होंगे। मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया मीन्स मेन वर्ब, मुख्य क्रिया होती है जो आप मेन वर्ब यूज करते हो, मेन वर्ब के साथ लगकर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी या रहा होगा का प्रयोग हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम जा रहा होगा, इसमें होगा आ गया। सीता नाच रही होगी, इसमें होगी आ गया। वह खेल रहा होगा, लोग घूम रहे होंगे, मैं पढ़ रहा होगा। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस है वो हमारे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। अब देखिए, बात करते हैं हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की, इसके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। तो पहला है आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप पहले भी बढ़ते आए हो कि वो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, अर्थात इन वाक्यों में ना तो नहीं का प्रयोग होता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इसकी वो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस कैसे बनेंगे, सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल और बी का साथ प्रयोग करोगे, विल बी, और साथ में हम सेल बी का प्रयोग भी करते थे बट वो अभी हटा दिया गया है, विल बी और सेल बी जैसे। तो इसमें हम विल बी का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। तो देखिए, जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने, साहिल जा रहा होगा, राम आ रहा होगा, वो बच्चा सो रहा होगा। तो आप देखिए, इनमें कहीं भी किसी भी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, साहिल, ठीक है। जा रहा होगा, तो सबसे पहले हमारा हो गया सब्जेक्ट साहिल। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी, और जाना क्या होता है, गो, और गो के साथ आपको आईएनजी लगाना है, विल बी गोइंग, साहिल विल बी गोइंग। सेकंड देखिए, राम आ रहा होगा, राम आ रहा होगा, तो सब्जेक्ट कौन बन गया, राम। उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब विल बी, राम विल बी, आना क्या हो गया कम, और आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन गया, राम विल बी कमिंग। वो बच्चा सो रहा होगा, वो बच्चा, सब्जेक्ट कौन है हमारा, वो बच्चा, वो बच्चा क्या हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता वो मेल है या फीमेल है, तो हम कहेंगे दैट किड, इसलिए हम दैट का यूज करेंगे, दैट किड, कि वो जो बच्चा है विल बी स्लीपिंग, दैट किड विल बी स्लीपिंग। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य अर्थात जिन वाक्यों में हम नहीं का प्रयोग करते हैं, जैसे वह नहीं पढ़ रहा होगा, वो नहीं खेल रहा होगा, वह नहीं सो रहा होगा,
वो नहीं जा रहा होगा, वो नहीं आ रहा होगा, इनमें हम नहीं का प्रयोग करेंगे, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, साहिल, ठीक है, जैसे यहाँ पे था साहिल जा रहा होगा, इसको हम नेगेटिव में बनाए तो क्या बन जाएगा, साहिल नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। राम आ रहा होगा, ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, राम नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, वो बच्चा सो रहा होगा, ये साधारण वाक्य है, नेगेटिव में बनाएंगे तो आप क्या लिखोगे, वो बच्चा नहीं सो रहा होगा। वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। तो ये अब हमें क्या करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर कि इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखिए, साहिल सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपके आगे विल बी, इसके बाद क्या करेंगे हम, सॉरी विल नॉट, विल के बाद नॉट, फिर बी और जा रहा होगा, विल नॉट बी गोइंग। देखिए इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं लिखी हमने, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगी, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस विल, विल के साथ नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, सेकंड देखिए, राम नहीं आ रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, विल नॉट बी, ये आपका विल नॉट बी लग जाएगा इसमें, राम विल नॉट बी कमिंग, राम नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, तो क्या बन गया, क्या कर देंगे हम, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग, स्लीप होता है सोना और आई एन जी लग जाएगा, क्या बन गया, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग, वो बच्चा नहीं सो रहा होगा। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हमारे सेंटेंस से ही पता लग रहा है, इसकी जो डेफिनेशन नाम है उसी से पता लग रहा है, प्रश्न कि इसमें हमसे कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो हमारे होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इनमें आपका नहीं का भी यूज हो सकता है और साधारण भी हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। जैसे सबसे पहले WH words आप सभी को बताया, मैंने अपने प्रत्येक वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है, WH words वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है, विच है, हुम है, हुज है, व्हेन है, ये सभी वर्ड्स हमारे WH फैमिली से रिलेटेड है, इनका प्रयोग हम क्वेश्चंस को पूछने के लिए करते हैं। तो इसमें WH words, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, और अगर यहाँ पर हमारा नोट है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अगर नहीं है, नेगेटिव है, तो बी के बाद हम नोट का प्रयोग करें, सॉरी बी के बाद नोट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। तो एग्जांपल देखिए, क्या राम खेल रहा होगा, राम क्या खेल रहा होगा, यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, तो इनका एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ जो मैंने अपने प्रत्येक वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है कि इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, क्या राम खेल रहा होगा, राम क्या खेल रहा होगा। तो देखिए, जब कोई हमसे प्रश्न पूछा जाता है और उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो उसको हम यूज करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना, वो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या राम खेल रहा होगा, आप कहोगे हाँ या नहीं, क्या वो सो रहा होगा, हाँ या नहीं, क्या वो पढ़ रहा होगा,
हाँ या ना, आप यस और नो में आंसर इनका दे सकते हो। तो उनको हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, बट जिनमें आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते उनको हम बनाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड्स से। जैसे राम क्या खेल रहा होगा, आप नहीं कह सकते हाँ या ना, यस और नो में अपना आंसर आप नहीं दे सकते। आपको बताना होगा राम क्या खेल रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा या कुछ और खेल खेल रहा होगा। तो जिनमें आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते उनमें हम स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली जो वर्ड्स हैं उनसे। तो देखिए, वो किसके साथ खेल रहा होगा, इसमें भी आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। क्या वो घूम रही होगी, आप कह सकते हो यस और नो। वो क्या कर रहा होगा, इसमें भी आप आंसर सीधा नहीं दे सकते यस नो में। क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा, इसमें आप यस नो में आंसर दे सकते हो कि नहीं वो बच्चा नहीं सो रहा होगा या हाँ वो बच्चा सो रहा होगा। तो देखिए, इनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इंग्लिश में, क्या राम खेल रहा होगा। तो ये हमारा सिंपल यस नो के आंसर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल, ठीक है। विल के बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर बी का प्रयोग और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, खेल रही होगी, खेल रहा होगा, खेलना होता है प्ले और आई एन जी लग गया प्लेइंग, और लास्ट में हमें लगाना है मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगर आपने मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाया तो आपका आधा कंप्लीट होगा सेंटेंस। राम क्या खेल रहा होगा, राम क्या खेल रहा होगा, इसमें हम यस नो में आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या लिखोगे, क्या, क्या के लिए हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट, उसके बाद यूज करेंगे हम विल हेल्पिंग वर्ब, व्हाट विल राम क्या खेल रहा होगा, बी प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो किसके साथ खेल रहा होगा, वो किसके साथ, किसके क्या होता है, हुम, बट किसके साथ, ये इकट्ठे है हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, तो हम क्या कहेंगे, होम विद या विद होम, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब विल, वो है तो इसके लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट ही, बी प्लेइंग, वो किसके साथ खेल रहा होगा, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट देखिए, क्या वो घूम रही होगी, क्या, इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल, ठीक है। विल के बाद सब्जेक्ट क्या है, वो, देखिए वो हम यहाँ पर वो भी है, यहाँ पर भी वो है, यहाँ पे हमने ही का यूज किया था, यहाँ पर हम सी का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रही, रही का मतलब वो फीमेल है, तो यहाँ क्या होगा, विल सी, ठीक है, फिर बी, और घूमना क्या होता है, वो के साथ आई एन जी, वॉकिंग, विल सी बी वॉकिंग, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट देखिए, क्या वो बच्चा, सॉरी, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, बीच में है क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब इसमें हमें डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज करना है, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते यस और नो में आंसर। तो देखिए इसका हम करेंगे, वो क्या कर रहा होगा, व्हाट, क्या, क्या के लिए व्हाट, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट ही, बी का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, करना क्या होता है, डू, और आई एन जी लगा के बन गया डूइंग, व्हाट विल ही डूइंग। नेक्स्ट देखिए, क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा, क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा, तो इसमें देखिए आप यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका हम बनाएंगे क्या, क्या के लिए विल, वो बच्चा, सब्जेक्ट है आपका दैट किड, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव दिया हुआ है, इंटरोगेटिव में कोई नेगेटिव दिया हुआ है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, किड, नोट, बी, सोना क्या होता है,
स्लिप और आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया? स्लीपिंग। लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कि अगर हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं तो हम उनको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, अगर हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते तो हम उनको डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, आप डायरेक्ट उनको पहचान सकते हो कि अगर आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, जैसे इसमें क्या स्टार्टिंग में है, इसमें क्या स्टार्टिंग में है, इसमें भी क्या स्टार्टिंग में है, जो क्वेश्चन वर्ड अगर स्टार्टिंग में है तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसमें हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स का, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स का। तो ये टेंस था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस को इस आप देखिए, इस वीडियो को समझिए और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।